तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन क्रिक ट्रैकर। माय नेम इज़ दिया कक्कर। और अगर हम आज की न्यूज़ की बात करें तो जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट है, दे हैव सस्पेंडेड क्रिकेट साउथ अफ्रीका। और उसी के साथ क्या अब हमें डेविड मलान दिख सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सुरेश रैना। एंड ऑन दी अनदर न्यूज़, वी माइट गेट टू सी शोएब अख्तर इन अ न्यू रोल। और अगर आप सोच रहे हैं क्या, क्यों और कैसे, तो आइए जानते हैं। अब अगर बात की जाए क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, वेल, उनके लिए उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन एंड ओलंपिक्स कमिटी ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बोर्ड मेंबर्स को स्टेप असाइड होने को कहा है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिगेटिंग मेनी इंस्टेंसेज ऑफ मैल प्रैक्टिसेस एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑलरेडी क्राइसिस रिडन ऑर्गेनाइजेशन। और एक लेटर के द्वारा CSA के जो इंपॉर्टेंट बोर्ड मेंबर्स हैं उनको स्टेप डाउन करने को कहा है। और अभी क्रिकेट साउथ अफ्रीका का जो कंट्रोल है वो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के हाथ में है। और आज सुबह ही ये न्यूज आई थी कि शायद हमें डेविड मलान सुरेश रैना की रिप्लेसमेंट के तौर पे दिख सकते थे इन IPL। और ये न्यूज चेन्नई के फैंस के लिए काफी ज्यादा खुशी लाई होगी, क्योंकि डेविड मलान वॉज इन अ रेड हॉट फॉर्म। और उसी के साथ ही वॉज द नंबर वन रैंक T20 बैट्समैन एज वेल। और द वे ही रीच द नंबर वन T20 स्पॉट, जिस तेजी से वो पहुंचे, काश उतनी ही तेजी से हमारी GDP भी बढ़ती तो क्या ही बात थी। बट जोक्स अपार्ट, ये न्यूज़ को अब स्क्वॉश करते हुए चेन्नई के CEO काशी विश्वनाथन ने ये बताया है कि डेविड मलान अब CSK का पार्ट नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि उनके जो स्क्वाड में फॉरेन प्लेयर्स का कोटा था वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। दे कुड ओनली हैव 8 फॉरेन प्लेयर्स इन द स्क्वाड दैट दे ऑलरेडी हैव। तो इसलिए अब डेविड मलान हमें सुरेश रैना को रिप्लेस होते हुए नहीं दिखेंगे। और चेन्नई फैंस तो वैसे भी यही चाहेंगे कि सुरेश रैना ही मिड ऑफ द सीजन आके अपने फैंस को सरप्राइज दें और वो आगे का टूर्नामेंट खेलें। एंड ऑन दी अनदर न्यूज़, वी माइट गेट टू सी शोएब अख्तर इन अ न्यू रोल। एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट, देन ड्रम रोल्स, एज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान। और अभी जो है मिसबा उल हक, वो टीम के चीफ सिलेक्टर भी हैं और टीम के हेड कोच भी हैं। बट नाउ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज इन टॉक्स विद शोएब अख्तर कि वो रिप्लेस कर सकते हैं मिसबा उल हक को एज द चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान। एंड शोएब अख्तर हैज ऑल्सो एक्सप्रेस हिज डिजायर टू टेक अप अ मेजर रोल इन पाकिस्तान क्रिकेट। एंड द डिस्कशंस आर स्टिल ऑन। और अगर शोएब अख्तर ये रोल टेकअप करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग से पाकिस्तान क्रिकेट में एक रेवलेशन लाए थे, क्या उसी तरह से वो अपने सिलेक्शन डिसीजन से एक रेवलेशन ला पाएंगे या नहीं, वेल, दिस इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। एंड येस, दैट्स अबाउट इट फॉर द वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट डाउन योर व्यूज़ और क्रिक ट्रैकर के पेज को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच।